Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. और मैं अपनी बहू और अपने पोते को किसी ऐसे आदमी के हवाले कैसे कर दूं जो पहले से शादीशुदा है? कल को उसके अपने बच्चे होंगे, वो अपने बच्चों का ख्याल रखेगा या समीर का ख्याल रखेगा? आप क्या करने आए? आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं? आप चले जाएं यहाँ से, जाएं यहाँ से। रिलैक्स, मैं मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। मेरे समीर के लिए तुमसे बेहतर बाप भी हो नहीं सकता। इतना ख्याल तो मेरा अपना बेटा शाहनवाज भी नहीं रख सकता। इतना प्यार तुम उसे दोगे और कोई नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी है। लगता है बहुत दुख हो रहा है जोया से शादी ना होने का। अगर ज्यादा तकलीफ है तो मैं कमरे से बाहर चली जाती ताकि आप खुल के अपने दुख का मातम कर सके। नायला प्लीज, फजूल बातें मत करो। मेरी तो सारी बातें ही फजूल हैं, लेकिन जो सच है ना वो सबके सामने लाकर रखूंगी। कौन सा सच? यही कि कमी मुझ में नहीं, कमी आप में है। आप बाप नहीं बन सकते। नहीं नायला, ये सच नहीं है। अब्बा जी से झूठ बोला था मैंने। जानती हो सच क्या है? खैर छोड़। क्या है सच बताएं, मुझे भी तो पता चले कि सच क्या है। सच बहुत कड़वा है, नहीं सुन पाओगी तो रहने दो। नहीं, आप मुझे बताएं ऐसा कौन सा सच है जो आप मुझे छुपा के बैठे। सच सुनना चाहती हो? क्या है सच? यह है कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि कमी मुझ में नहीं, कमी तुम में है नायला बेगम, तुम में। जानती हो अब्बा जी से झूठ क्यों बोला था मैंने? क्यों झूठ बोला था मैंने कि कहीं वो मेरी दूसरी शादी ना करवा दे? इसलिए झूठ बोला कि तुम्हारे ऊपर को सौदा लगे ना बिठा दी जाए। और तुम, अफसोस, अफसोस होता है मुझे तुम पे। हेलो बेगम, मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे के ऐब, एक दूसरे की खामियां छुपाते हैं दुनिया वालों से। अरे जानती हो मैंने क्यों किया ये सब कुछ? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कोई बांझपन का ताना ना दे सके। अपने बाप के साथ आस्थाने पर जाता रहा, बिना वजह इलाज करवाता रहा, झूठ बोला, धोखा दिया अपने बाप को। किसके लिए? किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम मुझे मुझे दुनिया के सामने तमाशा बनाना चाहती थी। अफसोस, अफसोस है मुझे तुम पे। मैं बहुत गुनहगार हूं बाजी, उन्होंने मेरी खातिर सबसे झूठ बोले, सबसे लड़ाई बोल ली, और मैंने क्या किया?
बेटा देखो बात सुनो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, तो बस माफी मांग लेना उससे। फूफो आप देख रही हैं, ये कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह, अल्लाह मियां इसे हमेशा खुश और आबाद रखे। ये अजमेर की नानी का सेट है, उन्होंने मुझे दिया था अजमेर की दुल्हन को देने के लिए। बहुत लाड करती थी अजमेर से। कितना संभाल के रखा है ना आपने इसे, पता नहीं जोया कदर भी करेगी कि नहीं। जोया ने हमारा वाला सेट क्यों नहीं पहना, अपने जहेज का सेट क्यों पहना? वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, शर्म तो नहीं आती ऐसे सवाल पूछते हुए। मियाँ बीबी एक दूसरे का लिबास होते हैं नायला बेगम, एक दूसरे के ऐप, एक दूसरे की खामियां छुपाते हैं दुनिया वालों से। तो मुझे मुझे दुनिया के सामने तमाशा बनाना चाहती थी। नायला तुम अभी तक यहीं बैठी हो? अरे जल्दी करो, निकाह का वक्त हो रहा है। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो बेटा, क्या हो गया? हाँ अच्छा, ये जेवर तुम्हें चाहिए, जोया को ना दूं? अरे बाजी, आप ये जोया को दे, इसमें उसे कहा के ये मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा भाई, तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना रो क्यों रही हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? कुछ भी ठीक नहीं है बाजी, सब गड़बड़ कर दिया। अच्छा नहीं तो देखो, नहीं तो देखो, रोना बंद करो। जानवर से झगड़ा हुआ तुम्हारा कोई? मैं बहुत गुनहगार हूँ बाजी, उन्होंने मेरी खातिर सबसे झूठ बोले, सबसे लड़ाई बोल ली, और मैंने क्या किया? बेटा देखो बात सुनो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, तो बस माफी मांग लेना उससे, है ना? मुझे माफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा, वाह ये भी अच्छी रही। भाई बीवी को अपनी गलती का एहसास हो गया हो तो कोई पागल ही शौहर होगा जो नहीं मानेगा और माफ नहीं करेगा उसको, मेरा शानवाज ऐसा थोड़ी है। अच्छा चलो उठो, बस बहुत हो गया रोना धोना, मेकअप ठीक करो, जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। चलो बेटा शाबाश। बस बस बस, रोना बंद, बिल्कुल बंद, बस आ जाओ, मैं नीचे जा रही हूँ, जल्दी से आओ। जोया देखो बेटा, ये जेवर अजमेर की नानी ने अजमेर की दुल्हन के लिए रखा था, तुम्हारी अमानत तुम्हारे सुपुर्द करने में बहुत देर हो गई बेटा, खुश रहो, हमेशा खुश रहो, और अल्लाह ताला तुम्हें सारी खुशी अता करे जो मेरे अजमेर तुम्हें देना चाहता था। जीती रहो, खुश रहो, सदा खुश रहो। मुझे माफ कर दो जोया, पता नहीं कौन सा बैर बांध लिया था मेरे तुमसे, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी और अजमेर की खुशियों को मेरी नजर खा गई। कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी, मेरी और अजमेर की जुदाई मेरी किस्मत में लिखी थी। अरे लड़कियों, तुम लोगों ने भी क्या रोना धोना डाल दिया है। नायला बेटा जरा जाके मेहमानों को तो देखो, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जी।
कितने अरसे के बाद मैंने शारिक को इतना खुश देखा है। मैं तो तरस गई थी उसकी मुस्कुराहट के लिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जोया, तुमने मुझे मेरा हंसता मुस्कुराता शारिक वापस लौटा दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं किसी पे कोई एहसान नहीं करी आंटी, जो खुद खाली हाथों सकते हैं। जोया, 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 आप कहाँ चली गई थी? कितना मिस किया मैंने आपको। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अरे वाह फूफा, आप देख रही हैं? ये कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह, अल्लाह मियां इसे हमेशा खुश और आबाद रखे। जोया, आपका बेटा कहाँ है? गेरा आ गया। कैसी हो सबा? सोया, मुझे ना आपका बेबी चाहिए। कितना प्यारा है, मैंने कितना मिस किया आपको। आप मुझसे दूर क्यों चले गए थे? जोया, अब तो आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी ना? आपकी वो घर वाले, वो आपको दोबारा लेने तो नहीं आएंगे ना? अब जोया कहीं नहीं जाएगी, यही उसका घर है और हम ही इसके घर वाले। अब ये कहीं जाके तो दिखाए। ठीक है, अब तुम हमारे साथ रहोगे और आप भी। नफीसा, तुम? अरे आपा, बगैर इतला के एक फोन तो कर दिया होता। अचानक ही इरादा बन गया था। असल में करीम बहुत दिनों से सबा को याद कर रहे थे। नफीसा, नफीसा रुक जाओ,
रुको नफीसा। सबा, अरे क्या हो गया? मैं हूँ। नहीं, मुझे लगा था कि वो आ गए। कौन? शौकत चाचा। हाँ? नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकते। मुझे लगा था वो जो शौहर है ना मेरे, वो आ गए। मुसीबत। कितनी बुरी बात है। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि शौहर के बारे में ऐसे नहीं बात करते, शौहर की इज्जत करते हैं। और मैं कितनी बार बताऊं कि मुझे शौहर बहुत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तभी तो आपको दिया है। अच्छा चलो छोड़ इन बातों को, आओ नाश्ता करते हैं। नहीं नहीं, मुझे पता है वहां बैठे होंगे, मैं जाऊंगी तो ऐसे करके घूरेंगे मुझे। वो नहीं है, नाश्ता करके ऑफिस जा चुके, आ जाओ। सच्ची? हाँ। तो चलो, बहुत भूख लग रही है मुझे, अब नाश्ता करते हैं साथ। आज की सुबह वाकई इतनी हसीन है या सिर्फ मुझे लग रही? जब इंसान बहुत खुश हो तो उसे हर मंजर बहुत हसीन लगता है। थैंक यू सर। किस बात का? मेरी नजरों को इतना हसीन मंजर देने के लिए। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए, मुझे इतनी हसीन और खूबसूरत सुबह देने के। अच्छा देखो, आज के बाद हम इतना फॉर्मली बात नहीं करेंगे। नो थैंक यू, नो सॉरी। मियाँ बीवी के रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात ही उनकी बेतकल्लुफी है। ऐसे ना देखो मुझे, मुझे पता है सुबह सुबह बहुत हैंडसम लगता हूँ। वो अंदर चलते हैं, समीर उठ गया तो पूरे शहर को रो रो के सर पे उठा लेगा। हाँ तो क्या हुआ, उठा ले पूरे शहर को सर पे, शहर के डीसी का बेटा है। मैं देखता हूँ मेरे बेटे को कौन कुछ कहता है। नफीसा तुम? अरे आपा, बगैर इतला के एक फोन तो कर दिया होता। अचानक ही इरादा बन गया था। असल में करीम बहुत दिनों से सबा को याद कर रहे थे, लेकिन आपको तो पता है डॉक्टर्स ने उनको ट्रैवलिंग से मना किया, तो बोले कि तुम जाके मिलाओ सबा से। करीम की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, पहले से तो बहुत बेहतर है। सबा नजर नहीं आ रही है, शारिक के साथ कहीं बाहर गई हुई है। वो सो रही है। सो रही है इस वक्त? सोने का वक्त तो नहीं है उसका। हाँ वो दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो शारिक ने उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। क्या हुआ है आपा, मेरी बेटी ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं है नफीसा, अभी थोड़ी देर में जाग जाएगी तो तुम मिल लेना उसे।
आज शारिक भी नजर नहीं आ रहा, आज तो संडे है। हाँ वो उसने शॉपिंग करनी थी तो मार्केट तक गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाऊं? वो लड़की यही है या चली गई है? कौन लड़की? क्या बात है आपा, आप क्यों आज इतनी गायब दिमाग हो गई हैं? मैं जोया की बात कर रही हूं। ओह अच्छा अच्छा, तुम जोया की बात कर रही हो। जाहिर है वही तो एक लड़की है जो हम सबके लिए अजाब बन गई है। मैं आपको बता रही हूँ आपा, इसी दिन शारिक की ये हमदर्दी हम सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। ले आ गया शारिक। नफीसा, नफीसा रुक जाओ, रुको नफीसा, नफीसा मेरी बात सुनो। नफीसा ये क्या हो रहा है? तुम्हारी जुरत कैसी है कि तुम शारिक के साथ इतना ज्यादा फ्री हो जाओ? हाँ मेरी बेटी बीमार है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम घर की मालकिन बन के बैठ जाओ। मामी खबरदार जो तुमने एक लफ्ज भी बोला। मैं ऐसी लड़कियों को बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ, इनके सारे ट्रिक समझती हूँ मैं। मामी चुप कर जाओ, ये तुम्हारी शेप इतनी जुरत कर रही है कि मेरी बेटी की जगह लेने के ख्वाब देख रही है? मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। निकलो इसी वक्त निकलो यहां से। प्लीज क्या कर रही हैं आपके, कहीं नहीं जाएगी ये। क्यों? क्योंकि ये इसका भी घर है। क्या मतलब? जोया मेरी बीवी है। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप हमारे साथ ऐसा करेंगे। कितना ख्याल रखा आप लोगों का, करीम ने सारी जिंदगी आपका और शारिक का ख्याल रखा और इतना बड़ा धोखा दिया आपने हमें, हमसे छुपकर शारिक की दूसरी शादी करवा दी, मेरी बेटी पर सौतन लाकर बिठा दी, ये सिला दिया आपने हमें हमारे एहसानात का। ऐसे तो बड़ा प्यार और मोहब्बत जिता दी आप सबा के साथ, ये है आपका प्यार? से मेरी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन शारिक मेरी औलाद है। देखो नफीसा, जिस तरह तुम सबा को खुश देखना चाहती हो, मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। इसीलिए आपने उसकी दूसरी शादी करवा दी? वाह आपा वाह, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, इंसान जब खुद गर्जी पर उतर आए ना तो वो अपने सिवा किसी का नहीं रहता। कदर डिटाई से आप मुझे ये जवाब दे रहे हैं। आपने तो ये भी नहीं सोचा कि ये बात जब करीम को पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी। कितना मान था उन्हें आप पर। शारिक ने सभा को छोड़ तो नहीं दिया, उसकी जिम्मेदारियां उसी तरह निभाता रहेगा जिस तरह अब तक निभाता आया है। हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं थी, हमने उसकी शादी शारिक से सिर्फ उसकी तबीयत की वजह से करवाई थी। सोचा था अपना खून है, आंखों के सामने पला बड़ा है, धोखा नहीं देगा, लेकिन क्या फायदा हुआ? वही हुआ ना जिसका डर था। और ये जो आप शारिक की जिम्मेदारी का डंका पीट रही है ना, उसकी असलियत भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। ये लड़की जब उसकी कुछ भी नहीं लगती थी तो वो दीवाना वार उसके आगे पीछे घूमता था, और वो कुछ भी उसके लिए कर ले कम है। नफीसा अब ऐसी कोई बात, बस बस रहने दे। आपने जो कुछ हमारे साथ किया है उसके बाद मुझे आप पर कोई एतबार नहीं। आपने अच्छा नहीं किया, करीम के साथ सबा के साथ आपने
शारिक जोया को जरूर पसंद करता था, उसे शादी करना चाहता था, पर सभा से शादी से पहले की बातें हैं ये। सभा से शादी के बाद उसने ऐसा सोचा भी नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं, करके दिखाया सभा की वजह से। पता नहीं तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है बेटा, जो कुछ तुमने किया है उसका तुम्हें एहसास ही नहीं, और जब तुम्हें एहसास होगा तब। मामा मामा प्लीज मत रोए, मामा प्लीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ATV सारे रंग हमारे।